किचन चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन, और चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए हमें टमाटो। यहाँ पे मैंने कुछ अनियन के स्लाइसेस किए हुए हैं। देन यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, नमक है, भुट्टा, लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसे मैंने थोड़ा भिगो के रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ जिंजर के स्लाइस किए हुए हैं और हरी मिर्च है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हैं कुछ खड़े मसाले, सारे स्पाइसेस पीसे हुए हैं ये। और ये हमारा खड़ा जीरा है और ये हल्दी है। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, जिसके लिए हमें एक बड़ा बाउल या कुछ आप इस तरीके का कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये तिरमची ले रही हूँ। ये चिकन लगभग 700 ग्राम है। मैरिनेशन को अगर रात में या आप 2-3 घंटे पहले भी करना चाहें तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है, आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट दूंगी। यहाँ पे मैं डालूंगी रेड चिली, थोड़ी सी हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट, गार्लिक का पेस्ट, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट करके पीसा हुआ है, और थोड़ी खड़े मसाले ऐड करूँगी, थोड़ा सा काला नमक, नहीं थोड़ा सा आमचूर, काला नमक और ऑयल, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी मैं। और ये मैंने पुदीने के पत्ते लिए हुए हैं जिसे अच्छे से चॉप कर लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और ये कुछ कटा हुआ हरा धनिया है जो हम इसे ऐड कर लेंगे, इससे फ्रेशनेस फील अच्छा आएगा। अब इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, बटर ना जले इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा खड़ा जीरा ऐड करेंगे। अब इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हमारा बटर चिकन रेडी।